भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग हिंदू होने के बावजूद हनुमान जी का ना ही पूजा करते हैं, ना ही उनका कोई पोस्टर या लाल रंग का झंडा आपको पूरी गांव में देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज इस गांव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अद्भुत गांव भारत की उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले की जोशीमठ के पास स्थित है और इस गांव के नाम द्रोणागिरी गांव है। ये वही गांव है जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की छोटे भाई लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बोटी लेने आए थे। तब हनुमान जी उनकी गांव का द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा के ले गए और उस पर्वत को गांव वाले देवता की समान पूजते थे, क्योंकि उस पर्वत पर बहुत से दुर्लभ पेड़ पौधे मिलते थे जो पूरा भारत में और कहीं नहीं मिलता था। और वहां के गांव वाले इस द्रोणगिरी पर्वत पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों से ही औषधि बनाकर अपना गुजारा चलाते थे। जब हनुमान जी रातों रात द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर ले गए तो दूसरे ही दिन सुबह उठने पर सारे गांव वाले बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि रातों रात इतना विशाल द्रोणागिरी पर्वत कहां गायब हो गया। पहले उन्होंने सोचा कि ये शायद किसी असुर का काम है जिसने अपनी असुरी शक्ति से पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत को ही गायब कर दिया। लेकिन जब गांव वालों ने अपने ही गांव की एक महिला से हनुमान जी द्वारा द्रोणगिरी पर्वत को उठाए जाने की पूरी कहानी सुनी तो वो अचरज में पड़ गए। गांव की उस महिला ने बताया कि वो रोज की तरह ही रात को द्रोणगिरी पर्वत को प्रणाम करने के लिए गए थे। उस समय चारों ओर अंधेरा था। जब उस महिला ने हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत के आसपास देखा तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। जब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया और बताया कि अयोध्या के राजा श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की प्राण संकट में है, शक्तिवान लगने का कारण वह धरती पे मूर्छित पड़े हुए हैं, अगर सुबह से पहले जड़ी बूटी ना लेके गए तो उसका जीवन बच पाना मुश्किल होगा। हनुमान जी की पूरी कथा सुनकर द्रोणागिरी गांव की उस महिला ने अपना सम्मति दिया। उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान बताकर भेज दिया, लेकिन वहाँ घोर अंधेरा होने के कारण हनुमान जी पहचान न सका, इसीलिए पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा के लेके चल दिया। गांव वाले उस महिला की बात सुनकर उस महिला और हनुमान जी के ऊपर बहुत नाराज हो गए। हनुमान जी से वह लोग इसलिए नाराज हो गए क्योंकि वह उन गांव वालों की देवतुल्य द्रोणागिरी पर्वत को उठा के लेके गए और उस महिला से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उसी ने ही संजीवनी बोटी की पहचान बताई थी। त्रेता युग की उस दिन की नाराजगी आज तक उस गांव वालों में कायम है, इसीलिए आज भी द्रोणगिरी गांव के लोग द्रोणगिरी पर्वत को साथ ले जाने के कारण हनुमान जी से नाराज है। साथ ही गांव वाले स्त्री जाति से भी नाराज है क्योंकि एक स्त्री ने ही हनुमान जी को संजीवनी बोटी का पता बताया था, जिसके कारण उनका पूज्य द्रोणागिरी पर्वत उनके गांव से दूर हो गया। आज भी उस गांव में होने वाले पूजन के अवसर पर अक्सर स्त्रियों को दूर रखा जाता है, इसीलिए हनुमान जी का पूजा आज तक उस गांव में नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे जरूर कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।